एक और अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा है। आज मल्लाहों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। आपको बता दें कि नाव तोड़े जाने को लेकर मल्लाहों से मुलाकात करेंगी। यहाँ कुछ वक्त पहले एक तनाजा हो गया था, 4 फरवरी को गैर कानूनी कानकनी की वजह से कार्रवाई हुई थी, जिसमें दर्जनों लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा का अहम दौरा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कल मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत थी, जहां खिताब किया था प्रियंका गांधी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली की सरहद पर बैठे किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। जब चौधरी टिकैत जी के आंखों में आंसू आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर अना का भी इल्जाम लगाया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस आग में घी डालने का काम कर रही है। बिल्कुल सही बात कह रही है प्रियंका जी, और उनकी मैं बात से इत्तेफाक रखती हूँ। इस देश की जो आत्मा है किसानों में बसती है, तो लैंड यूज बदलने से पहले जो जमीन ली थी सस्ते दामों में वो किसानों को दे दें और लैंड यूज यही रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा आज प्रयागराज पहुंचेंगी। प्रियंका यमुना पार के बसवार जाने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।